तो चलिए आज बनाते हैं क्रिस्पी और क्रंची डोसा। तो इसके लिए मैंने ले लिया है 3 कप चावल, और ये छोटे वाला चावल है, और इसमें मैंने डाला है 1.5 कप उड़द की दाल, और इसको 4 से 5 घंटे के लिए भिगो लेना है। उसके बाद इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लेना है। पहले चावल को आप पीसिएगा, उसके बाद आप उसको दाल को पीसिएगा, और इसको ओवरनाइट के लिए इसको ऐसे ही ढक कर रख दीजिएगा किचन प्लेटफॉर्म पे, और उसके बाद सुबह सुबह तक ये फर्मेंट हो जाएगा। और इसको ना अच्छे से फेंट लेना है, पहले अच्छे से फेंट लीजिएगा जैसे फ्लफी हो जाए। और सुबह सुबह देखिए, मैं सुबह में से उसको निकाला, बहुत ज़्यादा फर्मेंट हो गया था और बहुत ज़्यादा फ्लफी और हल्का हो गया था। बस इसके बाद मैंने इसमें नमक और पानी डाल के इसका पतला सा घोल बना लिया है, और घोल बनाने के बाद बस इसका एक अच्छा सा बैटर बना लिया डोसा बैटर की तरह। और यहाँ पर मैंने लिया नॉनस्टिक का पैन, उसको अच्छे से तेल लगाकर और पानी डालकर इसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है। और इसके बाद इसमें डाल देना है वो वही बैटर, और अच्छे से फैला लेना है। जैसे भी फैलाएंगे क्रिस्पी ही बनेगा। इसको एक बार इसमें मैंने डाल लिया है आलू का मसाला, जो डोसे का मसाला होता है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।